Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel after I think a century because मैं गायब हो गई थी YouTube से, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई, सारा कुछ इतना बिजी हो गया था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरा एक YouTube चैनल भी है जिस पर मैंने पोस्ट करना होता है. बट आई एम बैक एंड आई एम गोइंग टू बी रेगुलर. मैंने इस बार ना अहद कर लिया है कि मैं YouTube पे रेगुलरली पोस्ट किया करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह. सो रिसेंटली जो है वो बहुत सारी सेल्स चल रही थी, हर दूसरे ब्रांड पे सेल चल रही है. एंड आई थिंक ये बेस्ट टाइम होता है कि जब आप अपने लिए ना अच्छी सी शॉपिंग कर लो और आपको बहुत अच्छी प्राइस में बहुत मज़े मज़े के आउटफिट्स मिल जाते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिन पे बहुत अच्छी सेल्स लगी हुई है और मैं साथ साथ जो है ना वो आपको प्रोडक्ट की जो क्या होता है टैग, हाँ टैग्स भी दिखाती जाऊँगी ताकि आपको ईजिली उनकी वेबसाइट से या आप जो स्टोर से वो प्रोडक्ट्स मिल जाए. सो लेट्स स्टार्ट. सब कुछ यहाँ इकट्ठा करके रख लिया ताकि आसानी से मैं आपको दिखा दूँ. और कुछ ज्यादा दूर है ये. ओके सो सबसे पहले आई गॉट अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम एथनिक. एथनिक पे बहुत अच्छी सेल चल रही थी, बहुत मजे मजे के आउटफिट्स थे. सो मैंने इसमें से बहुत जो डेली वेयर के लिए थे ना उनके कॉटन के और खद्दर के वो मैंने मंगवाए, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके. ओके जी, तो सबसे पहला जो आउटफिट है वो है हमारे पास ये वाला इन साइज स्मॉल. तो मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या इसका सीन है. ये सारे जो है ना वो इनके टू पीस कैजुअल वाले जो कॉर्सेट्स होते हैं ना वही वाले हैं. सो दिस इज द ट्राउजर और इसके साथ है जी हमारे पास ये वाली जो हमेशा एथनिक का एक ऑफिशियल डिजाइन है, बहुत ही प्यारी सी शर्ट. ओके नाउ ये साइज स्मॉल है और ये काफी बड़ा है, सो मेक श्योर अगर आप नॉर्मली मीडियम साइज पहनते हो डिफरेंट ब्रांड्स का सो एथनिक का आपको स्मॉल ही आएगा क्योंकि इनका मीडियम बहुत बड़ा हो जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंट, ठीक है, पहन के भी मैं आपको दिखाती जाऊंगी साथ साथ. एवरीवन लुक एट दिस, हाउ क्यूट दिस लुक्स लाइक. एथनिक की जो है ना एक अपनी वाइब है, लाइक लुक एट दिस, दिस इज लुकिंग सो प्रिटी. आई लव द प्रिंट, खुला खुला सा, कंफर्टेबल सा, बहुत मजे का फैब्रिक है. सो ये हो गया हमारा पहला आउटफिट. ये रहा जी इसका ये प्रोडक्ट कोड आपको दिख जाएगा सेल पे. ये था आई थिंक 3500 का, ये जो मेजोरिटी है ना सारे ये 3500 और 3500 के दरमियान में ही थे, ठीक है. उसके बाद है ये वाला, दिस इज सच अ प्रिटी प्रिंट. ये बहुत प्यारा प्रिंट है, लुक एट दिस प्रिंट, लाइक प्रिंट को देख के स्प्रिंग याद आ जाता है, ठीक है. ये जो है वो कैप्री है, स्ट्रेट ट्राउजर नहीं है, ठीक है, खुली वाली कैप्री है इसके साथ. और ये रहा जी इसकी भी शर्ट. इस तरह हमेशा एथनिक जो है ना वो कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐड कर देता है अपने आउटफिट्स पे. तो यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं एंड अगेन ये सिंपल सी इसकी शर्ट है और इसकी भी प्राइस 3000 से 3500 के दरमियान ही थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन ये सारे 4000 के थे और आई थिंक 30% ऑफ पे थे तो इनकी प्राइस 3500 के दरमियान ही थी. सो ये रहा इसका टैग, अगर आपने ढूंढना हो इसकी वेबसाइट पे सो आपको इजीली मिल जाएगा होपफुली इस तरह. तो ये रहा जी इसका गला, जैसे मैंने आपको दिखाया था बहुत प्यारा प्रिंट और इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइक ये थोड़ा ज़्यादा फ्रॉक स्टाइल में आ जाता है. और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ तीसरा आउटफिट, मुझे बहुत पसंद था प्रिंट, मेरी अम्मा को ये बहुत पसंद था, शी वाज लाइक ये बहुत मीठा सा प्रिंट है, तो वाकई बहुत मीठा सा प्रिंट है. सो ये रही इसकी कैपरी, ठीक है, कितना मतलब कितना खूबसूरत प्रिंट है, जस्ट लुक एट दिस. अब ये सारे जो साइजेस हैं वो स्मॉल में हैं, मैं बार बार बता रही हूँ कि साइज स्मॉल है और जो प्राइस है इनकी दैट्स फ्रॉम 3000 to 3500. इसके भी गले पे उन्होंने बहुत प्यारे से बटन्स लगाए हुए हैं, एक ही चीज़ होती है एथनिक के कपड़ों में वो होते हैं इनके बहुत प्यारे गले पे जो ना कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐड की होती है जो बहुत मजे की लगती है. सो दिस इज द शर्ट, ठीक है. अभी मैंने सामान हॉस्टल जाने के लिए भी पैक करना, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इतना गंद डाल रही हूँ, मैं इसको समेटना कैसे है. अच्छा जी, उसके बाद इसका भी टैग मैं आपको दिखा दूं जल्दी से. एवरीवन बट डू आई हैव टू से समथिंग, यार ये कितना क्यूट लग रहा है, बहुत प्यारा है और मुझे लगता है मैंने गलती से इसमें साइज जो है वो मीडियम ऑर्डर कर दिया है क्योंकि ये मुझे और भी खुला है. आपका साइज मेरे वाला है सो आप स्मॉल ही ऑर्डर करो, मीडियम ऑर्डर करने की गलती नहीं करो क्योंकि इसका ट्राउजर मुझे बहुत खुला है, लाइक हेलो अस्सलाम वालेकुम. तो लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा लग रहा है. वी हैव टू मोर लेफ्ट, तो जल्दी से मैं आपको वो भी दिखाती हूँ और फिर हम लोग चलते हैं अपने लास्ट आउटफिट की तरफ. नेक्स्ट है ये खद्दर में, ठीक है, ये भी बहुत प्यारा सा प्रिंट है इसका भी. ये है इसकी कैपरी, नहीं 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 ये वाला इसका बॉक्स ट्राउजर है, ओके, जिसका साथ है जी ये वाला बॉक्स ट्राउजर और ये रहा आपका इसका प्रिंट.
ठीक है, बहुत फ्लोरल सा प्रिंट है, नहीं बहुत फ्लोरल सा प्रिंट है, क्या है ही फ्लोरल प्रिंट तो। और इसके भी गले में कुछ ना कुछ होगा एज यूजुअल। इसके ये सीन है, ठीक है, टसल्स लगाए हैं उन्होंने और इनकी हालत काफी खराब हुई भी है, पानी लगा के इस्त्री करना पड़ेगा। हो गया हमारे पास चौथा आउटफिट, ये खद्दर में था। पहले तीन की मैंने अगर आपको नहीं बताए हैं फैब्रिक्स, तो पहला जो था वो कॉटन सा फैब्रिक था मिड समर वाला, सेकेंड वॉज खद्दर और थर्ड वाला भी जो था वो मिड समर वाला था, ठीक है। और ये भी खद्दर है और ये रहा इसका, ये देखें ये रहा इसका टैग जी। अगला भी हमने पहन लिया, बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है, अब हम लोग पहनते हैं उससे अगला। और उसके बाद उससे अगला मैं नहीं पहनूंगी बिकॉज वो मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम रील में पहन के दिखाया हुआ है। सो अब हम लोग ये वाला ट्राई करेंगे, गन चेक करें हम लोग, जो मैंने गन डाला है ना ये मैंने उठाना भी है अभी। सो सूट देख लिया हमने, अब हम चलते हैं अगले की तरफ जल्दी से। पांचवा है हमारे पास हाईलाइट, मुझे इतना पसंद था ये, मुझे इतना पसंद था ये, मुझे बहुत पसंद था, ठीक है, ये वाला मेरा फेवरेट था इन सब में से। इसका फैब्रिक भी मिड समर वाला ही है, सो इसका बॉक्स ट्राउजर है। उसके बाद आती है हमारी इसकी जो है वो ये शर्ट, अब इसके गले पे भी दिखा देती हूँ क्या है। इसके गले पे ये बटन्स लगे हुए हैं बहुत प्यारे से, तीन तीन, ठीक है। और ये रही इसकी नेक लाइन, और ये था जी हमारे पास 3500 से 3000 के दरमियान ही बनेगा ये भी आपका। और ये रहा इसका टैग, ओके ओके। सो ये रहा हमारा लास्ट वन, ओ माय गॉड आई लव दिस प्रिंट, दिस प्रिंट इज एवरीथिंग, सबसे बेस्ट मुझे ये लगा है। डू लेट मी नो आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा है, बिकॉज आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन। ये पहना हुआ इतना क्लासी लग रहा है यार, आई लव इट। लास्ट वाला है हमारे पास ये वाला, जो मैंने ऑलरेडी पहन लिया था अपनी इंस्टाग्राम वीडियो में, तो इसके साथ भी था ये वाला ट्राउजर। के बाद है इसकी ये शर्ट, बहुत ही प्यारा प्रिंट है, लुक एट दिस। और गले पे इसके कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। अगर आप खुद भी कपड़े स्टिच करा रहे हो तो आप गले पे इस तरह की अपने दर्जी से या दर्जन से कह के डिज़ाइनिंग करवा सकते हो। ये रख लिए हमने, ठीक है। उसके बाद मेरे लिए थे, नहीं अच्छा एक और भी है, एथनिक से मैंने एक और भी लिया था, मैं भूल गई हूँ, वो लक शॉपर में था, वो मैंने खुद जाके लिया था तो मुझे याद नहीं है। फुल ब्लैक को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। सो ये था उनका एक सेल्फ प्रिंट में फुल ब्लैक, सो मैंने ये भी लिया था, इसका हालत काफ़ी ख़राब हुआ है, ठीक है। ये देखें इसके गले पे कुछ इस तरह के बटन्स लगे हुए हैं, एंड ये बिल्कुल प्लेन ब्लैक ट्राउजर शर्ट था। ये था जी 4200 का। अच्छा इन सब पे वॉज नाउ लगाया हुआ है, उन पे नहीं लगाया हुआ, आई थिंक स्टोर पे लगाते हैं और वैसे ऑनलाइन नहीं लगा होता। तो ये रहा इसका टैग। अच्छा इसके साथ भी जो था वो ट्राउजर बिल्कुल सादा सा था, एंड इसका जो पूरा फैब्रिक है ना उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा ये हल्का सा सेल्फ प्रिंट है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। वैसे मुझे प्लेन कपड़े बहुत पसंद होते हैं, कपड़े मुझे वैसे ही बहुत पसंद हैं, प्लेन हो प्रिंटेड हो कुछ भी हो। वन सो भाई हमने ब्लैक वाला भी पहन लिया है, बहुत प्यारा लग रहा है ये भी, और जब हम इसको सिल्वर ज्वेलरी के साथ स्टाइल करेंगे तो और भी हसीन लगेगा। सो इफ़ यू वांट टू सी के मैं ये सारे आउटफिट्स कैसे स्टाइल करती हूँ, तो उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा, उसका मैं कहीं अपना जो इंस्टाग्राम हैंडल है यहीं पे कहीं पर डाल दूंगी। ये हो गया हमारा एथनिक का शॉपिंग हॉल। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने सैफायर के शॉपिंग हॉल पे, ठीक है। सैफायर से मैंने दो तीन ही लिए हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छे हैं और बहुत रीजनेबल प्राइस में मिले थे मुझे सैफायर से। ये रहा जी हमारे पास पहला, और ये रहा हमारे पास दूसरा, और तीसरा काम गया हमारा, अच्छा बुरा तीसरा। पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना सबसे पहला वाला, ठीक है। ये रहा जी कुर्ता, बहुत प्यारा कुर्ता है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये जो है ना वो कॉटन कैम्ब्रिक सा फैब्रिक है, तो ये आपका समर्स में भी चलेगा। ये वो वाला फैब्रिक होता है ना जो पूरा 12 महीने चलता है, ये वो वाला फैब्रिक है। सो ये आपका पूरे 12 महीने चलेगा, एंड दिस वॉज फॉर ओनली 1500 रुपये, 3000 का था, 50% ऑफ पे था, तो इट वॉज फॉर ओनली 1500 रुपीज़। हाँ अब दिख रहा है आपको, सो ये था 1500 का। साथ में उसके बाद मैंने एक और भी शर्ट ली थी जो मैंने ऑलरेडी पहन ली हुई है, सो इसलिए उल्टी है, तो हम इसको सीधा कर लेते हैं। चलो जी, ये रही जी हमारी दूसरी शर्ट, बहुत प्यारी है ये भी। ये भी 1500 की थी या 1300 की थी, इतने की ही थी ये भी शर्ट, ए लाइन फुल लेंथ में थी ये, और साथ में इन दोनों के साथ ही मैंने ना मैच करके ये ट्राउज़र ले लिया था, क्या कहते हैं इसको, क्यूलेट्स, हाँ वही कहते हैं ना,
तो ये इसके कुछ इस तरह की ना डिटेल्स है इसके ऊपर. और ये ट्राउजर था 1000 रुपीज का, द फर्स्ट वन फ्रॉम सैफायर. ठीक है, पहनकर ये बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो, लॉन्ग शर्ट और साथ में ट्राउजर. और जो दूसरा वाला है इसके साथ, वो भी सेम डिजाइन है और प्रिंट डिफरेंट है, उसमें भी लॉन्ग शर्ट आ जाती है एग्जैक्ट सेम डिजाइन में. अब तीसरा जो है वो मैंने सैफायर की न्यू कलेक्शन में से लिया था, क्योंकि मुझे वो बहुत प्यारा लग रहा था और मुझे पता था अगर मैंने अब नहीं लिया तो वो सेल तक रहना ही नहीं है. तो वो था जी ये वाला, मतलब कितना खूबसूरत प्रिंट है, लुक एट दिस. ठीक है, गले पे इसके भी बहुत प्यारे से उन्होंने टसल्स लगाए हैं, तुम तो पीछे हटो. ठीक है, ये वाले टसल्स लगे हुए हैं इनके गले पे, और कुछ इस तरह की शर्ट है, और साथ में इसी प्रिंट का जो दुपट्टा था ना, वो बहुत बहुत प्यारा लग रहा था. ठीक है, सो ये रहा जी उसी प्रिंट का दुपट्टा. अब ये दुपट्टा और शर्ट अलहदा रहता थी, दुपट्टा था 1800 का और शर्ट थी 2600 की. ठीक है, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, मेरा मैथ्स बहुत कमज़ोर है, सो इसका मैं आप दोनों आपको जो है ना वो दिखा देती हूँ. वैसे अगर आपको इनकी नई कलेक्शन में से चाहिए हुए वाला, नाउ लुक एट दिस येलो वन, ये इतना प्यारा लग रहा है ना, मतलब सेम ट्राउजर के साथ मैंने इसे पहन लिया है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक लुक एट दिस, बहुत ज़बरदस्त. ये भी हम लोग बांध के रख लेते हैं कि हमें बाद में जो है ना वो टाइम नहीं मिलना. उसके बाद एक मैंने लिया था आइडियाज से, ठीक है, और वो था, उसका फैब्रिक बहुत अच्छा था इसलिए मैंने वहाँ से भी ये वाला लिया. सबसे पहले तो उसका कलर ही इतना प्यारा था ना, ऑरेंज, और फैब्रिक देखें आप, ये जो इसके अंदर फैब्रिक के अंदर हल्का हल्का ना टेक्सचर्ड था, फैब्रिक था, बहुत प्यारा लग रहा था ये. एंड दिस वन वॉज फ्रॉम देयर खास कलेक्शन आई थिंक. और ये था, ये इन्होंने भी नहीं लगाई हुई आफ्टर प्राइस, आई थिंक ये 50% ऑफ पे था. हाँ, ये 50% ऑफ पे था, ओरिजिनल प्राइस इसकी 6200 है, तो इसको हाफ करके ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 3000 रुपये का, 3000 रुपये का टू पीस था ये. ठीक है, ये रहा इसका टैग, प्रोडक्ट कोड वगैरह आप देख लेना. और उसके बाद साथ में इसके था इसी कपड़े का ट्राउजर, बॉक्स ट्राउजर. हाँ, ये रहा जी इसका कैप्री और बॉक्स ट्राउजर के बीच की चीज को बनाई हुई है. सो दिस इज द ऑरेंज वन, बहुत ही समरी सी वाइब आ रही है ये पहनकर. अच्छा जी, जो अब मैंने आपको दिखाया ना सैफायर वाले और आइडियाज वाले, ये सारा जो है ना ये मिड समर और समर का जो है वो फैब्रिक है. ये आपका गर्मियों में भी चलेगा, सर्दियों में भी चलेगा, और सर्दियों में मतलब बहुत सर्दी में नहीं चलेगा, लेकिन जो मिड समर अब चल रहा है ना फेब्रुअरी वाला सीजन, उसमें भी चलेगा और गर्मियों में भी चलेगा. तो ये वाला मुझे ना फैब्रिक पर्सनली बहुत पसंद होता है. एथनिक के भी ये जितने भी हैं सारे, ये आपको ना अब जो भी मौसम चल रहा है उसमें भी चलेंगे, और जो इसमें कॉटन वाले थे वो आपको गर्मियों में भी चलेंगे और सर्दियों में भी चलेंगे. कैसा फिट सीन है, और मैं बोल बोल के थक गई. अच्छा, उसके बाद सैफायर से मैंने जो है वो इनके दो परफ्यूम्स भी लिए थे. अगर आपने सैफायर का ये वाला परफ्यूम ट्राई नहीं किया अभी तक, तो डेफिनेटली इसको ज़रूर ट्राई करना. आपको बहुत लाइट सी फ्रेग्रेंसेस पसंद है ना मेरी तरह, लाइक बहुत लाइट सी हो लेकिन बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, दिस परफ्यूम इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स. ठीक है, आउटफिटर्स के लाइम जेस्ट के बाद ये वाला परफ्यूम जो मुझे वाहिद है जो अच्छा लगा है. सो इसका नाम है जी एथरल, नहीं एथरियल, जो भी है. ठीक है, दिस इज द नेम. ठीक है, ये रहा परफ्यूम. उसके बाद है हमारे पास इनका ये बॉडी मिस्ट इन पिक्सी. इनके ये दो बॉडी मिस्ट जो है ना वो पिक्सी और स्ले जो है वो हमेशा मेरे बैग में होता है. ये दोनों बहुत अच्छे हैं, बट इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा काम करते हैं, लाइक बहुत अफोर्डेबल हैं और खुशबू बहुत अच्छी है. ठीक है, तो हम लोग इसको लगा लेते हैं. इसकी खुशबू बहुत अच्छी है. ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास सैफायर का शॉपिंग हॉल, और एक हमने मैंने आपको दिखाया गुल अहमद का. अच्छा, उसके बाद हमारे पास रह जाते हैं सैफायर के, नहीं आउटफिटर्स के, सैफायर के हो गए. अच्छा, ये रहा हमारे पास आउटफिट्स, आउटफिट्स का शॉप, आउटफिटर्स का शॉपर. तो इसमें जो है ना वो मैंने आउटफिटर्स की जब सेल खत्म होने वाली थी ना, मैं तब गई थी, तो मुझे कुछ इतना खास मिला नहीं, बट चलो थोड़ा बहुत फिर भी मिल गया. सबसे पहले है ये वाली शर्ट, चेक शर्ट, जो हमेशा आउटफिटर्स पे आपको हर कलेक्शन में मिल जाती है. सो ये वाली मैंने चेक शर्ट लिया है, ये मैंने पहन ली है ऑलरेडी, तो इसका टैग नहीं है मेरे पास, बट दिस वन वाज फॉर आई थिंक 1700 या 1800 के दरमियान में थी इसकी प्राइस. ठीक है, उसके बाद है इनकी ये वाली शर्ट, ये जी एक और तलंगी सी शर्ट. मेरी अम्मा को ये शर्ट्स बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है, लाइक ये क्या है बांदरी वाली चकियाँ ले आती हो तुम लोग, पर चलो खैर है.
ठीक है, तो इसकी प्राइस थी 1700 रुपीज। आपको दिखा देती हूँ इसका ये टैग। और उसके बाद मैंने ली थी इनकी ये बेज कलर की पैंट्स, जो कि इनकी नई कलेक्शन में से थी, बट ये बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं आई बिकॉज ये हाई वेस्टेड नहीं है। मुझे लो वेस्टेड जीन्स बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं मैंने क्यों ली है, पर चलो कोई नहीं, अब ले लिया तो हम लोग पहनेंगे। लेकिन फिट काफ़ी अच्छा था इसका, लेकिन ये लो वेस्टेड क्यों है मुझे समझ नहीं आई। प्लीज़ हाई वेस्टेड बनाया करें आउटफिट्स, अगर आपके पास कभी मेरी ये वीडियो पहुँचे तो प्लीज़ हाई वेस्टेड जीन्स बना लिया करें, अल्लाह का वास्ता है। बहुत बुरी लगती है मुझे लो वेस्टेड जीन्स, पता नहीं क्यों। अब मैंने आपको दिखा तो दिए, खलारा भी मैंने डाल लिया है, अब मैंने उठाना भी है गाइस। ओके जी, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, एंड इफ यू डिड सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।